पहली बात तो मैं बहुत खुशी थी कि मैं फाइनल पे पहुंची थी, क्योंकि फाइनल बहुत बड़ी बात होती है हमारी एक जिमनास्ट में, पहली बार जाके फाइनल। पीएम सर ने हमें जो एक से बोला जब मैं जा रही थी सर के पास, तो बोला क्योंकि उसी दिन हमें खेल रत्न भी मिलने वाला था, तो उसी दिन था, तो वो बोला कि तुम ऐसे चल के क्यों क्यों आ रहे हो, तुम तुम्हारा वो सल्टो करके। जब फाइनल रियो का हो रहा था तो किस तरह का इमोशन था? कि मम्मी पापा को फ़ोन किया था या नर्वस हो रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में, क्या चल रहा था? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत खुशी थी कि मैं फ़ाइनल पे पहुंची थी, क्योंकि फ़ाइनल बहुत बड़ी बात होती है हमारी एक जिमनास्ट में, पहली बार जाके फाइनल। बट हमारा टारगेट था एनी हाउ फाइनल पहुँचना है, तो वही क्योंकि मेरा वॉल्ट एक था प्रोदोनोवा वॉल्ट, जिनको उस टाइम में से मैं अकेले मैं ही कर रही थी, तो फाइनल के दिन और एक ने भी किया, बट तो मुझे पहुंचना है, मैं उसको इतना प्रैक्टिस करके गई थी। बट मैं जब फाइनल खेल रही थी, बट वही था कि आज मुझे पहले दिन से भी बेटर करना है, मार्क्स पहले दिन से बढ़ाना है, तो बट अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देना। और सर भी बोले पूरे एकदम एंजॉय होकर करो कॉम्पटिशन, क्योंकि अभी 8 नंबर पर क्वालिफाई किया, अगर ख़राब करो तो 8वीं रहोगे, उससे नीचे नहीं जाओगे, क्योंकि 8 ही होते फाइनल पर। तो बस मैं अपना बेस्ट दिया, तो 8 से 4 में आ गई। पीएम सर ने हमें जो एक से बोला जब मैं जा रही थी सर के पास, तो बोला क्योंकि उसी दिन हमें खेल रत्न भी मिलने वाला था, तो उसी दिन था, तो वो बोला कि तुम ऐसे चल के क्यों क्यों आ रहे हो, तुम तुम्हारा वो सल्टो करके। तो मुझे बहुत मतलब प्राउड हुआ कि वो सर ने भी वो देखा, तो मुझे बहुत खुशी है वो चीज़। पिछले कुछ सालों में इंजरीज़ भी हुई हैं, तो अभी वापस आए हो आप, तो लग रहा है थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म, या कैसे प्रिपेयर कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग? हाँ, देखिए, ACL सर्जरी हुआ 2017 को, तो सच में उसके बाद एक साल बहुत ही बुरा था, बट बीच में कुछ कॉम्पिटिशन भी छूट गए, फिर मैंने कमबैक किया, फिर वर्ल्ड कप में गोल्ड आया, फिर एशियन गेम्स ख़राब गया फिर से, तो थोड़ा सा हो जाते हैं कभी कभी, स्पोर्ट्स ऐसा है कि हमेशा 100% नहीं होते, कभी किसी ना किसी की वजह से कभी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाते। बहुत मुश्किल था, बट हमें ऐसा था कि हमें करना है, क्योंकि मेरे सर नंदी सर जो है उनका वही था कि तुम कर सकते हो और तुम्हें करना है, फिजियो साइकोलॉजी उनके बहुत सारे हेल्प थे, क्योंकि वो लोग हमेशा बोलते थे कि तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम फिर से आ सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है सेल के बाद, तो बट वही लेके नहीं मुझे कमबैक करने, वही सोच के जिमनास्टिक्स में गर्ल्स की 4 इवेंट ही करना पड़ते हैं, वॉल्टिंग टेबल, अनइवन बार, बैलेंसिंग बीम और फ्लोर। मैं 4 ही कर रही हूँ, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें हम 4 ही करेंगे, तो फोकस वहाँ पे ही है ज़्यादा, अक्टूबर वर्ल्ड चैंपियनशिप।